गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट सा एक चीज़ हम लोग शेयर करने वाले हैं, क्योंकि पहले भी इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, तो क्यों ना और एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। क्योंकि सैटरडे को ही ये वाला न्यूज़ आए थे तो हमने इसको कवर नहीं कर पाए। दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा चैनल का थोड़ा इंट्रो देना चाहती हूँ। दोस्तों मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी, और प्लीज़ आप लोग मेरा नॉलेज आईक्यू टीवी को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो चैनल का जो बेल आइकन है उसको इनेबल करके रखिए, और मेरा जो वीडियो है उसको भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होने वाले थे, तो उसके बारे में हम फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं। क्योंकि उस दिन भी हमने एक टॉपिक दिए थे आपको, कौन सा बैंक देश में सबसे आगे है बैंक प्राइवेटाइजेशन होने में। तो इधर में जो न्यूज़ आया है, मतलब ग्रो इट बोल के वो बता रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों चार बैंक प्राइवेटाइजेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। तो चार बैंक का नाम तुम्हें पता ही दिए हो पहले, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो दोस्तों सरकार इसको बेच के 1.75 लाख करोड़ कमाना चाहते हैं, क्योंकि बैंक दोनों बैंक को तो प्राइवेटाइजेशन करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों एयर इंडिया और LIC का जो 5% जो IPO शेयर बेचने वाले हैं 5%, तो वो भी सरकार करना चाहते हैं। तो सरकार एक्सिस बैंक में भी 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट का और एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपना जो कैपिटल है। सो दोस्तों ये जो चार बैंक है, इस चार बैंक में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों मुझे नहीं लगता बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेटाइजेशन हो सकते, क्योंकि ये जो साल है 2021-2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे नहीं लगता है प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। जो बाकी दो बैंक बचे हुए हैं दोस्तों वो है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और पंजाब एंड सिंध बैंक भी है, लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक अभी उस पाइपलाइन में नहीं है। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, मुझे लगता है अगर प्राइवेटाइजेशन ना हो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इस चार बैंक में इंडियन ओवरसीज बैंक में मेरा खुद का एक अकाउंट है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है दोस्तों तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा फैमिली का भी फिक्स डिपॉजिट है, मेरा खुद का फिक्स डिपॉजिट है, मेरा माँ का फिक्स डिपॉजिट इंडियन ओवरसीज बैंक में। मेरा थॉट ये है बैंक प्राइवेटाइजेशन मत हो, स्टॉप कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। आपका क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे बोल सकते हो, आप क्या प्राइवेटाइजेशन चाहते हो, क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते हो। दोस्तों तो मैं खुद का थॉट में बताऊंगा तो प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा कस्टमर को, मेरा जैसा सिंपल सा कस्टमर है तो उन लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो दोस्तों मैं चाहती हूँ अगर प्राइवेटाइजेशन ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि दो बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा उसके बाद गवर्नमेंट 5% जो शेयर है वो बेच देगा LIC का। उसके साथ साथ जो एयर इंडिया का भी गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला है, मतलब गवर्नमेंट अभी एयर इंडिया को 100% बेचना चाहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा और मतलब एक टेंस्ड वाला न्यूज़ है, कौन सा बैंक पहले प्राइवेटाइजेशन में जाएगा, सेकंड बैंक कौन सा होगा। अभी सब लोग मतलब सब रूमर्स बोल रहे हैं, मतलब ये बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जो चार बैंक प्राइवेटाइजेशन के सबसे अंदर अंदर है वो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैं तो सेंट्रल जो प्राइवेटाइजेशन होगा उसका बहुत खिलाफ हूँ, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। छोटा सा ही टॉपिक था, क्यों ना आपके साथ थोड़ा शेयर करते, क्योंकि आज लेटेस्ट अपडेट आया है, क्योंकि बहुत सारा जो इकोनॉमिक टाइम्स, उसके साथ साथ इंडिया टुडे ग्रुप, ABP ग्रुप ने भी
आर्टिकल लिखा है बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और उन्होंने ग्राफ भी दे दिया है कौन सा बैंक कितना प्रॉफिट शेयरिंग कितना प्रॉफिट मार्जिन किए थे। तो चार बैंक अभी तक तो बैंक प्राइवेटाइजेशन के सबसे नज़दीक रेस में है। सो देखते क्या होता है दोस्तों। दोस्तों यही था आज का टॉपिक, और वीडियो को अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट में भी बहुत सारा वीडियो आपके पास हम लेके आएंगे। और दोस्तों मेरा चैनल का नाम है नॉलेज आईक्यू टीवी, और बेल आइकन को प्लीज़ इनेबल करके रखिए। और दोस्तों लास्ट में और एक चीज़ बताना चाहते हो, अगर आप बाहर निकलते हो दोस्तों तो प्लीज़ मास्क पहन के निकलिए। विदाउट मास्क आप लोग बाहर मत निकलो, क्योंकि बाहर बहुत सिचुएशन बहुत खराब है। वैक्सीन का भी शॉर्टेज चल रहा है, आप तो जानते हो सारे बैंक एम्प्लॉय को वैक्सीन दे दिया गया है। हमने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है क्योंकि फर्स्ट डोज का बहुत शॉर्टेज चल रहा था। तो हमने रजिस्टर कर लिए थे मेरा माँ के लिए और मेरे लिए, तो लेकिन अभी तक मेरा क्या बोलते हैं मतलब अभी तक मुझे सीरियल नंबर नहीं मिला, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अभी तक सीरियल नंबर नहीं मिला। जो एप्स था उस एप्स में भी हमने रजिस्टर किया था। तो दोस्तों टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ मेरा नॉलेज आईक्यू टीवी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को टिल एंड तक देखना। स्किप अगर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंस चीज़ मैं इस वीडियो में बोली हूँ तो मिस कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।